तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने बिहार पुलिस की रिगार्डिंग नए वैकेंसी को जारी किया है। बहुत ही बेहतरीन नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है स्टूडेंट्स। तो जो भी इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे बिहार पुलिस के भर्ती के लिए, तो वो अब उन अपने जो इंतज़ार का उनका घड़ी है वो ख़त्म हो चुका है और अभी से अपने प्रिपरेशन को वो स्टार्ट कर दे। तो इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और साथ ही साथ क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, चयन प्रक्रिया क्या होंगे, तमाम जानकारी के बारे में यहाँ पर आपको हम देने का प्रयास करेंगे। और फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछिएगा। और स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी हमारे दोस्त भाई इस वीडियोस को देखते हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल आपका जॉब अपडेट्स का चैनल है, इस चैनल के नाम से जो आपका टेलीग्राम होगा उसे ज्वाइन कीजिएगा और ताकि आपको जो भी अपडेट्स है वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है, कि एग्जामिनेशन कब होंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, सब कुछ। चलिए आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में। जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो 20/6/2023 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई जो होगा स्टूडेंट्स वो फॉर्म भरने का वो कब होगा, तो वो आपका लास्ट डेट 20/7/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट भी 20/7/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको जैसे ही आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फी के बारे में बात करना चाहेंगे तो जनरल OBC EWS और अदर सभी स्टेट्स के कैंडिडेट के लिए 675 रखा गया है और STSC के लिए 180 को रखा गया है। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो 1/8/2022 से आपके एज लिमिट को काउंट किया जाएगा, हालांकि यहाँ पे 2023 होना चाहिए था, ठीक है। और इस एज से यदि आपका मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 25 है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम टोटल पोस्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पोस्ट का नेम है वो है कांस्टेबल बिहार पुलिस, और यहाँ पे जो इस कांस्टेबल बिहार पुलिस में टोटल पोस्ट है वो 21,391 यानी 21,391 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं और सिर्फ आपको ओनली स्टूडेंट्स आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। यदि आपने 10+2 पास किया है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज आप अपने वैकेंसी को यहाँ से आप देख सकते हैं या आप खुद से भी समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं जो आपका जो हाइट चेस्ट होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम उसको बताने से पहले आपको हम चयन प्रक्रिया बताने का प्रयास करेंगे। चयन प्रक्रिया इन द सेंस आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताने का प्रयास करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान ही हम आपको सारे तमाम जानकारी यहाँ पर आपको दे देंगे, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया में प्रथम चरण जो होंगे स्टूडेंट्स आपके लिखित परीक्षा होंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा में सभी आपको जो कह सकते हैं कि 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा और आपको 100 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। प्रत्येक सही आंसर पे आपको 1 नंबर आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी प्रत्येक सही आंसर पर 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका OMR में होगा, ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड नहीं होगा, OMR सीट पर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन होंगे, लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो 10th लेवल का होगा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो आपसे पूछे जाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन जो होंगे आपके लिखित परीक्षा में हिंदी के होंगे, अंग्रेजी के होंगे, गणित के होंगे और सामाजिक विज्ञान के होंगे और फिर आपके जो विज्ञान से होते हैं रिलेटेड उससे प्रश्न होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित जो आपके क्वेश्चन होते हैं वह होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानते हैं। फ्रेंड्स आप सभी को लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य है और देन फिर उसके बाद आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा कट ऑफ होगा उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स लिखित परीक्षा में पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको द्वितीय चरण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण परीक्षा में स्टूडेंट्स आपके शारीरिक दक्षता होंगे और आपको सबसे पहले कह सकते हैं कि फिजिकल होगा। फिजिकल जो होगा वो 100 अंक का होगा। फिजिकल में भी अंक दिया गया है तो आपको फिजिकल को भी ध्यान से करना है। याद रखिएगा सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पे आपका मेरिट नहीं बनेगा, लिखित के साथ साथ आपका फिजिकल भी दोनों परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका दौड़ होगा जो कि 50 अंक के होंगे। दौड़ में आपका स्टूडेंट्स 6 मिनट का दौड़ होगा। यदि आपने 5 मिनट के अंदर 5 मिनट से कम के अंदर दौड़ को कंप्लीट कर दिया तो 50 अंक मिलेंगे, फिर 5 से 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर 40, और यदि आपने 5
पास 40 से लेकर 6 मिनट के तक किया तो आपको 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपके जो महिलाओं के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, महिलाओं अपना यहाँ पे देख सकते हैं, महिलाओं को 5 मिनट का समय दिया जाएगा और उनको 1 किलोमीटर का दौड़ रहता है, और मेल के लिए कितना रहता है 1.6 किलोमीटर का और 6 मिनट का दौड़ होता है, ठीक है। बात है स्टूडेंट्स देन फिर गोला फेंक का, गोला फेंक आपको 25 अंक के होंगे, इसमें कि आपको यदि 16 फीट से 17 फीट तक फेंके तो 9 अंक मिलेगा, 20 फीट तक फेंके तो 25 अंक मिलेगा, और बीच में आप पढ़ सकते हैं। फिर फीमेल के लिए भी उसी प्रकार से है। फिर ऊंची कूद रहेगा स्टूडेंट्स, ऊंची कूद आपके 25 अंक के होंगे और 4 फीट तक फेंकेंगे आप कूदेंगे तो 13 अंक मिलेगा, 5 फीट तक कूदेंगे तो 25 अंक मिलेगा। उसी प्रकार से फीमेल के लिए भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके जो होंगे फिजिकल होंगे, ठीक है। जैसे ही फिजिकल और आपका फिजिकल और आपका रिटर्न हो जाएगा तो आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा फिजिकल और मेडिकल के बेसिस पे, और इस फिजिकल और मेरिट के बेसिस पे ही आपके फिजिकल और रिटर्न इन दोनों के बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। याद रखिएगा सिर्फ रिटर्न या फिर सिर्फ फिजिकल के बेस पे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। देन फिर आपका जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा उनका जो मेडिकल होता है वो सभी होगा और उनका चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी होगा लेवल 3 का सैलरी होगा, लेवल 3 के सैलरी में आपको 21,700 से 69,100 के बीच में स्टूडेंट्स आपको सैलरी मिलेगा, यानी लगभग स्टार्टिंग में ही आपका 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में आपका सैलरी वहाँ पे होगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम जॉब होता है यहाँ पे बिहार पुलिस में भर्ती होना। तो जो भी स्टूडेंट्स भर्ती होना चाहते हैं तो वो जरूर से जरूर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, अच्छे से पढ़ाई करने लगे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।